इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आज के दौर में अगर हम करियर की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत है हमें अपनी काबिलियत को पहचान कर आगे बढ़ने। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आते हैं अपना ये खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको जानकारियां देते हैं ताकि आप अपना करियर सेलेक्ट कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो आइए देखते हैं आज हमारे इस एपिसोड में क्या क्या है। फिटनेस के फील्ड में है करियर के बेहतर ऑप्शन। फिटनेस ट्रेनर बनकर कैसे दें अपने करियर को दिशा। योगा टीचर बन के सवारें अपने करियर को। एक्सपर्ट से लीजिए सलाह और कीजिए अपने सपनों को साकार। और अंत में देखिए कहां मिलने वाली है आपको अपनी मनपसंद नौकरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। फिट रहना और स्मार्ट दिखना हर किसी को पसंद है, लेकिन अगर बात करें हम आज के भाग दौड़ की जिंदगी की तो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि हम अपने सेहत का ख्याल रख सकें। इसीलिए हम जिम जाते हैं, एक ट्रेनर रखते हैं जो हमें फिट रहने के लिए मदद कर सके। एक बात आपको बता दूं, फिटनेस के क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर के बहुत सारे ऑप्शंस पैदा हो रहे हैं। आइए देखते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, और शरीर को सेहतमंद रखने के लिए जरूरत होती है शरीर की फिटनेस की। रोजाना थोड़ी सी देर की गई एक्सरसाइज हमें फिट रखती है ताकि हम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रह सकें। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण हम कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हमारा देश आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, यानी हमारे देश में युवाओं की तादाद दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा है। इसलिए युवाओं को स्वस्थ और सेहतमंद बने रहने के लिए फिटनेस का ध्यान रखना जरूरी है, और फिटनेस के लिए किसी भी खेल में रुचि रखना और खेलना सबसे आसान और दिलचस्प तरीका है। युवाओं के लिए फिटनेस के क्षेत्र में भी करियर के कई अवसर मौजूद हैं, जहां युवा अपना करियर बनाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। युवा फिटनेस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें, इसीलिए सरकार ने द स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड लेजर स्किल काउंसिल यानी SPEFL SC की शुरुआत की, ताकि युवा न केवल फिटनेस के महत्व को समझें बल्कि उसमें अपने लिए करियर के अच्छे अवसरों की तलाश भी कर सकें। हर एक महीना हर एक सिटी में एक कम से कम 10 जिम तो खुलते ही होंगे, तो वैसे अगर जिम्स खुलते हैं तो ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर फिटनेस ट्रेनर टू बिल्ड अ करियर इन फिटनेस इंडस्ट्री। फिटनेस के क्षेत्र में करियर के अवसरों को देखते हुए आज युवा भी बड़ी तादाद में इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये फिटनेस के प्रति लोगों की जागरूकता ही है जिसकी वजह से आज देश में बड़े बड़े फिटनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जो युवाओं के लिए नौकरी के अवसर भी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी जिम में जाते हैं तो इक्विपमेंट के साथ साथ हमारा यह ध्यान रहता है कि ट्रेनर कौन है। ट्रेनर का एक बहुत खास काम होता है जो ना सिर्फ आपको फिट रहने में मदद करता है बल्कि दूसरों को भी हेल्दी रहने के लिए गाइड करता है। क्या है जिम ट्रेनर का जॉब रोल और कैसे हम इसे अपना करियर ऑप्शन बनाएं? आइए देखते हैं। फिटनेस सेंटर में अगर अच्छा ट्रेनर ना हो तो कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि आज फिटनेस ट्रेनर बनकर युवा बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही युवाओं में से एक हैं मुंबई के रहने वाले अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह ने फिटनेस को शौकिया तौर पर शुरू किया था, फिर जब इन्हें भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के जरिए इसमें करियर के अवसर की जानकारी हुई तो इन्होंने इसमें खुद को सर्टिफाई करने के बारे में सोचा।
अभिषेक की मेहनत रंग लाई और इन्हें नौकरी मिल गई। आज ये फिटनेस ट्रेनर बनकर बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। मैं MBA की तैयारी कर रहा था, मुझे MBA में काफ़ी अच्छे परसेंटाइल आए, 92% और मैं MBA कॉलेज ज्वाइन करने वाला था, लेकिन फिर मैं अपने फादर से बात की और मैंने उनको बताया, कन्विंस किया कि मुझे MBA नहीं करना है एंड आई वांट टू डू समथिंग जो मुझे पसंद है। तो फिर मैंने मुंबई में आके यहाँ से सारे कोर्सेज किए और कोर्सेज करने के बाद मेरी एक UK बेस्ड MNC फिटनेस फर्स्ट में जॉब लगी एट अ सैलरी ऑफ 8,000 रुपीज़। स्टार्टिंग में लगता था कि 8,000 सैलरी बहुत कम है, लेकिन मैंने फिर भी मेहनत करते गया। एक साल लगे 70,000 पहुंचने में और फिर और मेहनत करते गया तो दो साल में मेरी सैलरी 1,20,000 रुपये हो गई है। मैं 1,20,000 की सैलरी से भी हैप्पी नहीं था। फिर मैंने फिटनेस फर्स्ट छोड़ के मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जिसमें मेरी सैलरी 1,20,000 से 3,50,000 रुपये पहुँच गई है। इस काम में आपकी मदद करती है द स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड लेजर्स स्किल काउंसिल यानी SPEFL SC, जिसकी वेबसाइट पर जाकर ट्रेनिंग पार्टनर की मदद से आप खुद को सर्टिफाइड कर सकते हैं। सर्टिफाइड हो जाने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलना बेहद आसान हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग हो या फिर कोई एथलीट की ट्रेनिंग हो या फिर कोई स्पोर्ट की ट्रेनिंग हो, अगर वो आप किसी एक पर्पस के लिए कर रहे हैं और किसी एक गोल को दिमाग में रख के कर रहे हैं तो वो एक स्किल के अंदर ही आती है और वो एक स्किल सेट अगर हम तैयार करेंगे तभी आप एक लेवल पे पहुंच पाएंगे। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो स्किल की तैयारी नहीं करेंगे जो एक लाइफस्टाइल जो बॉडी बिल्डर जीता है, तब तक आप एक अच्छे सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएंगे। तो बॉडी बिल्डिंग भी एक स्किल के अंदर ही आता है। ऐसी कमाई के बारे में जानकर जाहिर है बहुत से युवा इस ओर आकर्षित होंगे, लेकिन इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल ट्रेनर की निगरानी में सख्त ट्रेनिंग की जरूरत होगी। फिटनेस की बात हो और खान पान की बात ना हो, ये बात अधूरी सी लगती है। फिट रहने के लिए जितनी जरूरी एक्सरसाइज है उतना ही जरूरी है अपने खान पान का ध्यान रखना। शरीर को किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, आपका डाइट प्लान कैसा हो, ये बात सिर्फ एक अच्छा डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। इसमें भी कौशल प्रशिक्षण लेकर आप जॉब के अवसर तलाश कर सकते हैं। किसी भी ट्रेनर को न्यूट्रिशन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी कैसे उसको कन्वर्ट कर रही है या उसको बदल रही है बॉडी फैट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग का जो फिटनेस गोल है, या तो अगर आपका गोल है मसल गेन करना या आपका गोल है मोटापा कम करना, कोई भी आपका गोल हो, आप जो खा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व आता है। हम ट्रेनर्स को सिखाते हैं कि किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए, किस तरह के खाने उनको बिफोर सप्लीमेंटेशन जो कहा जाता है ट्रेनिंग लेते हैं या फिर ट्रेनिंग के बाद जो लिया जाता है, ऐसी सारी जानकारी इन्हें सिखाई जाती है। प्लस ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं उनके क्लाइंट्स को ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के थ्रू और सप्लीमेंटेशन और डाइट के थ्रू ही हम ठीक कर पाते हैं। फिटनेस ट्रेनर की डिमांड केवल फिटनेस सेंटर में ही नहीं होती, बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी इनके लिए करियर के अवसर मौजूद हैं। ऐसा ही एक सेक्टर है स्पोर्ट्स सेक्टर, जिसमें फिटनेस ट्रेनर की जरूरत होती है। आप जब भी फिटनेस ट्रेनर की बात करते हो तभी वो ट्रेनर आपको एक्सरसाइज सिखाने वाला है, जिसमें आपका शरीर के संबंधित एक्सरसाइजेस है। तो अगर उसको पता ही नहीं है कि मसल्स किधर है, वो मसल्स की मूवमेंट क्या है, जॉइंट एक्शन कैसे होने वाली है, तो वो हर एक एक्सरसाइज गलत भी सिखा सकता है। और फिर अगर गलत एक्सरसाइज करता है और उसमें आप एक वज़न उठा के एक्सरसाइज करते हो, उस तरीके से अगर गलत फॉर्म में आपने एक्सरसाइज कर दिया तो इंजुरी होने के भी चांसेस है। अगर उसको वो एक्सरसाइज मूवमेंट, व्हाट मसल्स आर इन्वॉल्व, वो सब पता होना ज़रूरी है। इसीलिए ट्रेनर ने सर्टिफिकेट कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी ट्रेनर सर्टिफिकेट कोर्स करता है तभी उसने ये भी याद रखना है कि खाली थियोरिटिकल एग्ज़ाम दे के वो ट्रेनर नहीं बन सकता, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने वर्कर्स को फिट रखने के लिए ऑफिस कंपाउंड में फिटनेस सेंटर भी चलाती हैं, जहां पर फिटनेस ट्रेनर को अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही पर्सनल ट्रेनर बनकर भी युवा अच्छी कमाई कर सकते हैं, या फिर सरकार से आर्थिक मदद लेकर अपना फिटनेस सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। ट्रेनर का जॉब जो है वो ट्रेनर का जॉब एक कोच का जॉब है, एक टीचर का जॉब है, नहीं कि सिर्फ पीछे खड़े रह के 1-20 गिनती करो। और ये टीचर के जॉब के लिए चाहिए पेशेंस। क्या आपको टीचिंग की पेशेंस है? क्या आप कन्वे कर सकते हो? क्या आप लोगों को बराबर से सिखा सकते हो?
करियर के अवसर हर फील्ड में मौजूद हैं, बस जरूरत है तो सही जानकारी और कौशल प्रशिक्षण की। इसी के मद्देनजर सरकार ने हर क्षेत्र में सेक्टर स्किल काउंसिल की शुरुआत की है, जिसके जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां से प्रशिक्षण लेकर युवा अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे योगा टीचर बन के सवारे अपने करियर को। एक्सपर्ट से लीजिए सलाह और कीजिए अपने सपनों को साकार। महेश, क्या चेयर बनाया, तेरे हाथ में कुछ जादू है। क्या भाव, जादू तो आपके हाथों में। ओए, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाव, मैं तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने एक लकड़ी के टुकड़े से क्या माइंड ब्लोइंग चेयर बनाया यार। महेश को चाय दो। जब मेरे हाथ में लकड़ी का बैट होता है ना, मैं भी थोड़ा कुछ कर लेता हूँ। थोड़ा? हम दोनों के इन हाथों में हुनर है। कारपेंटर हो या क्रिकेटर, हुनर होना जरूरी है। तो फर्क क्यों? मतलब हम में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाऊ, ये बात बस आप मेरी बीवी को बता दो। ये बात महेश तो समझ गया, और आप, आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ और सीखिए वो हुनर जो ना सिर्फ आपको दे रोजगार पर समाज में दे सम्मान जिसके आप हकदार हैं। कौशल भारत, कुशल भारत। देखिए हर शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल चैनल पर आपकी बात। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, अगर आपके पास जिम में जाने का वक्त नहीं है तो आप घर बैठे योगा कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। योगा ना सिर्फ आपको फिट रखता है बल्कि आपको मन की शांति भी देता है, और यही कारण है आप योगा टीचर बन के अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। शरीर की फिटनेस में जितना महत्व एक्सरसाइज का है, उतना ही महत्व योग का भी है। योग के जरिए बहुत सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। भारत के इस प्राचीन योग विज्ञान को समझते हुए आज पूरे विश्व में योग को महत्व दिया जा रहा है। लोग सेहत के सबसे बड़े इस ज्ञान के महत्व को समझें, इसीलिए विश्व योग दिवस की शुरुआत की गई, जिसके कारण आज ऐसे खास लोगों की डिमांड देश विदेश में बढ़ रही है जो इस क्षेत्र में हुनरमंद हों, यानी जो लोगों को योग की शिक्षा दे सकें। योग से न केवल मानसिक संतुलन ठीक रहता है बल्कि योग क्रियाओं और मेडिटेशन के जरिए आपका शरीर भी फिट और सेहतमंद बना रहता है। सेहत के प्रति आज लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, इसीलिए योग में भी करियर की नई राहें खुली हैं, जहां योग टीचर बनकर युवा अपना करियर संवार सकते हैं। योग में करियर बनाने के लिए भारतीय योग विज्ञान में कौशल प्रशिक्षण लेकर करियर के अवसर तलाश किए जा सकते हैं। पहले अगर हम बात करें तो हम इतना अवेयरनेस नहीं थे रिगार्डिंग हेल्थ। ज़्यादा से ज़्यादा हम वॉक कर लेते थे, अगर कोई हमें कहता था, डॉक्टर कहता था तो हम वेट करते थे। मतलब जनरली हम वेट करते थे कि डॉक्टर बोलेगा फिर हम करेंगे। बट आज के टाइम में जो हमारा यूथ है या जो भी हमारा जो शायद एज ग्रुप है, वो भी इतना ज़्यादा अवेयर है कि येस, इंस्टेड ऑफ डूइंग गो टू द क्योर, हम प्रिकॉशन पे काम करना शुरू कर रहे हैं। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द हेल्थ चॉइसेस, वी आर मोर कंसर्न कि हम किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ एक्टिविटी एड ऑन करना शुरू करें, किस तरह हम अपने डाइट को मैनेजमेंट में लेके आएँ, किस तरह हम बैलेंस डाइट की तरफ बढ़ें। तो नाउ वी आर मोर अवेयर, एंड मुझे लगता है कि येस, दिस इज़ अ वेरी नाइस करियर ऑप्शन। अगर हम इसे चुनते हैं तो डेफिनेटली हम खुद के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। योग में करियर बनाने के लिए जानकारी के साथ ये भी जरूरी है कि आपकी बातचीत का तरीका यानी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो, ताकि लोगों को आप अच्छी तरह से समझा सकें। सरकार के प्रयासों से लोगों का योग के प्रति रुझान बढ़ा है, इसलिए आज योग टीचर की डिमांड भी बढ़ रही है। युवा योग में कौशल प्रशिक्षण हासिल करके न केवल अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, बल्कि इसमें अच्छी कमाई भी कर सकते हैं।
कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक्सपर्ट से लीजिए सलाह और कीजिए अपने सपनों को साकार, और अंत में देखिए कहां मिलने वाली है आपको अपनी मनपसंद नौकरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। आजा बैठो बाबा। सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे, उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, फिटनेस की फील्ड में सफलता पाने के लिए जरूरी है उस क्षेत्र की अच्छी जानकारी होना। आपको सफलता मिले इसीलिए हम लेकर आते हैं अपना अगला सेगमेंट एक्सपर्ट की बात। तो आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट आपको क्या जानकारी देते हैं। बदलते रहन सहन के तरीकों और वातावरण ने लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। सेहतमंद रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने खान पान को सही रखें, रोजाना एक्सरसाइज करें। फिटनेस के प्रति लोगों की जागरूकता ने इस क्षेत्र में भी करियर के कई सारे अवसर खोले हैं, इसीलिए फिटनेस ट्रेनर की डिमांड आज काफी बढ़ रही है। युवा फिटनेस ट्रेनर बनकर अपने लिए एक बेहतर करियर चुन सकते हैं। शुगर हो गई है, बीपी हो गया है, 40 इयर्स में आपको हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक तो ये प्रॉब्लम है ही है हमारी, ये हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल की। दूसरा, ये जो यंग जनरेशन है उनको आज की डेट में बेहतर दिखना, एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। किसी भी करियर में जाइए, एक अच्छी पर्सनैलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ। तो ये रिक्वायरमेंट को भी देखते हुए आने वाले टाइम में फिटनेस एज एन इंडस्ट्री बनाए, जब मैं बोलता हूँ वो एक इंडस्ट्री की तरह ही उभर के आएगी। आप देखिए कि आज की डेट में पीछे 6-7 साल का ही अगर आप डेटा ले लें तो पहले अगर 10 जिम और फिटनेस सेंटर हुआ करते थे, आज की डेट में वो 25 हो गए, यानी कि 150 गुना वो बढ़ गए हैं। वो बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास बिजनेस है, उनके पास लोग जा रहे हैं और वो इसीलिए आगे अपना बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग बिजनेस। ये हर साल क्यूमुलेटिवली 24-25% बढ़ रहा है बिजनेस, और इस तरह से इंडस्ट्री कोई नहीं बढ़ रही, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री उभर के आने वाली है। द स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड लेजर स्किल काउंसिल यानी SPEFL-SC युवाओं को फिटनेस ट्रेनर के जॉब रोल में कौशल प्रशिक्षित करने का काम अपने ट्रेनिंग पार्टनर के जरिए कर रही है, जिसमें युवाओं को न केवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उन्हें एक्सरसाइज की बारीकियां भी सिखाई जाती हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद नौकरी दिलाने में भी उनकी मदद की जाती है। हर जिम में फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं। कोई भी आदमी ऐसे जाके जिम अगर अपना खोलेगा तो उसको कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि फिटनेस होती क्या है, एक्सरसाइजेस कैसे करानी चाहिए, मसल पे कितना प्रेशर होना चाहिए, किस एज का बंदा आया है उनके पास, या कोई लेडी है या बच्चा है, या हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप ऐसे ही नहीं आप स्टार्ट कर सकते कि आप जिम हो गया है, कुछ मशीन्स रख दी हैं, वो अपने आप काम करेंगी, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं जो वहाँ पे लोगों को बताएं। तो जो वो ट्रेंड लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स जिनको हम बोलते हैं, उसके लिए जॉब रोल है हमारा फिटनेस ट्रेनर का। तो इसमें कोई भी आदमी फिटनेस ट्रेनर का ट्रेनिंग ले सकता है हमारे अंडर में, और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट्स होती है इस तरह के एरोबिक सेंटर्स और जिम्स में जहाँ पे फिटनेस ट्रेनर्स की ज़रूरत है आज की डेट में। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा बॉडी बिल्डिंग किया हो या आप ऐसा आपने बहुत हैवी एक्सरसाइजेस की हो तभी आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो।
फिटनेस ट्रेनर का जो वर्क है वो मिक्सचर है साइंस और टेक्नोलॉजी का, जो जिसके पीछे जो उनको सिखाया जाता है वो ह्यूमन बॉडी के फंक्शन सिखाए जाते हैं और कैसे वेरियस मशीन्स और डाइट कंट्रोल करके आउटपुट निकालना है ये सिखाया जाता है। तो ये फिटनेस ट्रेनर का रोल है जो अप्रॉक्सीमेटली 3 months से लेके 5 months के बीच में कोर्स कंप्लीट होता है। ये डिपेंड करता है जो एकेडमी है वो उसमें कितना प्रैक्टिकल इनपुट दे रही है। हालांकि हमारी तरफ से मैंडेटेड होता है कि इतना प्रैक्टिकल देना है, लेकिन कई बार कुछ अकेडमीज एक्स्ट्रा भी करना चाहती हैं तो 5 महीने में मैक्सिमम ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद वो प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कई सारे जॉब रोल हैं जिनकी डिमांड आज काफी बढ़ रही है। आज हमारे युवा हर खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यही कारण है कि युवा पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए ऐसे खास लोगों की डिमांड भी बढ़ी है जो उनकी फिटनेस को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकें। फिटनेस ट्रेनर की डिमांड आज हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़ी तादाद में है। स्पोर्ट्स एसएससी जो है वो उसके पास 40 और जॉब रोल्स हैं जो हम तैयार कर रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर एक जॉब रोल है उसमें। इन 40 जॉब रोल्स को मिला के हमने हमारा ये एक लक्ष्य हमने बांधा है के 2022 तक के हम 2.1 मिलियन लोगों को इस इंडस्ट्री से जोड़ेंगे, यानी कि हम उनको ऐसे कोर्सेज में ट्रेनिंग देंगे जिसकी ज़रूरत स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को है, वो चाहे फिटनेस ट्रेनर हो, लाइफ गार्ड पूल हो, स्पोर्ट्स मैसोर हो, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। तो इस तरह से मिला के हम 2.1 मिलियन जो हमने अपना एक लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे 2022 तक के। और इससे ज़्यादा हालांकि लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री। मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स के लोगों की, फिटनेस ट्रेनर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मिडिल ईस्ट में। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हम बाहर अपने बच्चों को कैसे प्लेस कर सकें, उसके लिए क्या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है वो हम करेंगे। किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी है उस क्षेत्र की बेहतर जानकारी होना, यानी कौशल प्रशिक्षित होना। युवाओं को हर क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देने का काम आज सरकार बड़े स्तर पर कर रही है। वैसे तो जो NSDC और हमारा जो सर्टिफिकेशन है सेक्टर स्किल काउंसिल का, वो आज की डेट में वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है और स्पेशली मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमारा पहले से ही लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब लोग सर्टिफिकेट के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए भी आसानी हो गई है उनका सिलेक्शन करना। बच्चा फिटनेस ट्रेनर की सर्टिफिकेट लेके मिडिल ईस्ट जाना चाहे तो बहुत आसानी से जाके नौकरी कर सकता है, उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करने में। पहली चीज़ तो ये कि उसको फिटनेस ट्रेनर तो खुद होना ही चाहिए, उसके बाद थोड़ा अगर वो और बेटर अपना परफॉर्मेंस करना चाहता है तो उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर वो सीख ले और थोड़ा सा लोकल कल्चर सीख ले तो वहाँ पे उसका बहुत अच्छे हिसाब से जॉब लग सकता है। तो चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या कोई भी कंट्री हो, अगर आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है जॉब पाने के लिए। जरूरत है कि युवा इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लिए तरक्की की राह चुनें, जो न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद हो बल्कि देश के विकास में भी सहयोग करे। यही लक्ष्य है सरकार के स्किल इंडिया मिशन का। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे देश के युवा कैसे नौकरी पा सके, इसीलिए हम लेकर आते हैं अपना अगला सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो आइए देखते हैं हमारे देश में कहां कहां नौकरियां निकली हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में स्पोर्ट कैटेगरी में युवा हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2018 है। अधिक जानकारी www.wcrindianrailways.gov.in पर ले सकते हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2018 है। अधिक जानकारी www.mmrcl.com पर ले सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 6 अगस्त 2018 है। अधिक जानकारी www.aai.aero/en/careers/recruitment पर ले सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।
हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @ आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता हमारी सोच पर निर्भर होती है। कहा जाता है कोई भी काम करने के लिए सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको सफलता मिले इसीलिए अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम ऐसे हुनर और सफलता की कहानियां आपको दिखाते हैं ताकि आप प्रेरित हो सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। सिर्फ DD नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल।